अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो और एक DSLR या मिररलेस कैमरा लेने के लिए प्लान कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सा ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 एंट्री लेवल कैमरास सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्सोटेक। आई एम अरूप। इस चैनल पे मैं फोटोग्राफी रिलेटेड इक्विपमेंट्स के रिव्यू और फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये लिस्ट मैंने बजट को माइंड में रखते हुए ही बनाया है और ये 5 कैमराज 25,000 to 40,000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सो आप अपना बजट के हिसाब से ही इनमें से एक चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला कैमरा है कैनन का 1500D। ये 24.1 मेगापिक्सल का DSLR है जो कि डिजिक 4 इमेज प्रोसेसर के साथ आता है। इसका 9 ऑटोफोकस पॉइंट है, इसके साथ ही एक क्रॉस टाइप सेंटर ऑटोफोकस पॉइंट है और इसका ISO रेंज है 100 to 6400 जो कि 12,800 तक आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम शटर स्पीड है 1/4000 सेकंड और इसका कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है 3 FPS, मतलब कि 3 फ्रेम पर सेकेंड। इस कैमरा का बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये 500 शॉट पर बैटरी देता है जो कि DSLR के हिसाब से बहुत ही कम है और ये कैनन के 1300D के रिप्लेसमेंट बॉडी है। दोनों बॉडी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है लेकिन 1500D का ISO परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है और विथ किट लेंस इसका प्राइस है 25,900 लेकिन मार्केट में आपको ये 25,000 के अंदर ही मिल जाएगा। तो आपका बजट अगर 25,000 के आसपास है ये कैमरा ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा कैमरा है निकॉन का D3500। ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका इमेज प्रोसेसर है एक्सपीड 4, इसमें आपको 11 ऑटोफोकस पॉइंट मिल जाता है और इसका ISO रेंज है 100 to 25,600। मैक्सिमम शटर स्पीड है 1/4000 सेकेंड और इसका कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड 5 FPS है जो कि कैनन के 1500D से थोड़ा ज़्यादा है और निकॉन की इस कैमरा का बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ये 1550 शॉट्स पर बैटरी देता है लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी एवरेज है और निकॉन की इस कैमरा का प्राइस है 28,990 विद 1855 किट लेंस। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे एक मिररलेस है और ये है फूजी फिल्म का XT100। ये 24 मेगापिक्सल का एक मिररलेस कैमरा है और क्योंकि एक मिररलेस है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के साथ आता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जब फोटो क्लिक करते हैं तो आप व्यू फाइंडर में ही फोटो का एक्सपोजर देख सकते हैं, सो दैट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और 91 ऑटोफोकस पॉइंट है जिसमें से 35 फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस पॉइंट है और इसका ISO रेंज है 100 to 51,200। मैक्सिमम शटर स्पीड है 1/4000 सेकेंड और कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है 6 FPS, मतलब कि 6 फ्रेम पर सेकेंड। क्योंकि ये मिररलेस है तो इसका बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा लो है, ये 430 शॉट्स पर बैटरी दे देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ये कैमरा लेते हैं तो कैमरे के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ले ले, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों मिल जाते हैं और इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है और ये एक टिल्टिंग LED स्क्रीन के साथ आपको मिलता है जो कि टच इनेबल्ड है और इसका टच आप फोटो क्लिक करते वक्त और फोटो रिव्यू करते वक्त यूज कर सकते हैं। मतलब आप फोटो क्लिक करते वक्त स्क्रीन में टच करके फोकस पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसका टच क्यू मेनू में इनेबल नहीं है। इसका बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका कोई ग्रिप नहीं। मेरे हिसाब से इसका ग्रिप ना होना एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लेकिन अगर आप विदाउट ग्रिप पसंद करते हैं तो ये कैमरा आपके लिए एक अच्छा चॉइस होगा। इस कैमरा का एक खास पॉइंट है कि इससे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इसका प्राइस लगभग 36,000 है। फ्रेंड्स, चौथा कैमरा है निकॉन का D5600। ये 24 मेगापिक्सल का एक DSLR कैमरा है और इसका इमेज प्रोसेसर है एक्सपीड 4। इस कैमरा का ISO रेंज है 100 to 25,600 और इसका ISO परफॉर्मेंस D3500 से थोड़ा बेहतर है। इसमें आपको 39 ऑटोफोकस पॉइंट मिलता है और 9 क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट मिलता है। इसका मैक्सिमम शटर स्पीड है 1/4000 सेकेंड और कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है 5 FPS और ये फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन के साथ आपको मिलता है और इसके LED स्क्रीन टच एनेबल्ड है जो कि लो एंगल और अपर एंगल फोटोज लेते वक्त बहुत ही हेल्पफुल है और इस कैमरे में आपको वाईफाई और NFC भी मिल जाता है और ये 820 शॉट पर बैटरी देता है
जो कि DSLR के हिसाब से ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, फिफ्थ और आखिरी कैमरा एक मिररलेस कैमरा है, सोनी का अल्फा 6000। ये 24 मेगापिक्सल का एक मिररलेस कैमरा है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के साथ मिलता है और इसका फोकस पॉइंट है 179 जो इन सब से बहुत ही ज्यादा है। इसका ISO रेंज है 100 to 25,600 जो 51,200 तक एक्सपेंडेबल है। इसका कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड है 11 FPS और इसका मैक्सिमम शटर स्पीड है 1/4000 सेकेंड और इसमें आपको 3 इंच का एक टिल्टिंग स्क्रीन मिलता है। फ्रेंड्स, सोनी के ज्यादातर कैमरे में ही आपको टिल्टिंग स्क्रीन मिलता है लेकिन इसका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही लो है। ये 360 शॉट पर बैटरी देता है, तो आप जब भी इस कैमरे को परचेस करें उसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ले लें। इसमें आपको फेस डिटेक्शन फोकसिंग भी मिल जाता है और इसमें वाईफाई और NFC भी है। सोनी के इस कैमरे का प्राइस है 40,400। तो आपका बजट अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली इस कैमरे को ले सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कैमरा है। फ्रेंड्स, आप जो भी कैमरा ले रहे हैं मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसके साथ एक प्राइम लेंस खरीदें। फ्रेंड्स, ये 5 कैमरा ही बहुत ही अच्छा कैमरा है, सो आप अपने बजट के हिसाब से ले और पहला जो 3 या 4 मंथ्स है आप प्रैक्टिस करें और देखें कि आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी के कौन से पार्ट पे ज़्यादा है, सो दैट ये आपको फर्दर ग्रो करने में हेल्प करेगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिला है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।